नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहते हुए कि किस तरीके से बीजेपी के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी को। कोई उनकी जीप काट रहा है, कोई उनकी जीप जला रहा है, कोई ये कहता है कि उनका हश्र वही होगा जो उनकी दादी का हुआ था। तो इस तमाम तरीके की जो बयानबाजी थी, तो उसमें उन्होंने कहा, उस चिट्ठी में लिखा कि इस तरीके की रोक लगानी चाहिए लोगों पर, क्योंकि वो इस तरीके की बात एक लीडिंग ऑफ द ऑपोजिशन के लिए कर रहे हैं जो कि शोभा नहीं देता और वो लोकतंत्र के खिलाफ है और गैर संवैधानिक है। उसके बदले में मोदी जी को ये चिट्ठी खड़गे जी ने लिखी थी, लेकिन मोदी जी को लगता है कि चिट्ठी का जवाब देना नहीं, या फिर वो जवाब देना नहीं चाहते, या फिर उनको लगता है कि नहीं, हम खड़गे जी की चिट्ठी का अगर हम जवाब देंगे तो मेरी तौहीन हो जाएगी। तो अब वो राहुल के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, मोदी जी उसका डायरेक्ट सामना करना ही नहीं चाहते। अब उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको सामने कर दिया है। और आज नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिखी जो कि वायरल हुई है। 3 पेज का ये चिट्ठी है, जो उनका लेटर है, ये 3 पेज की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। और मैं उनको ये उसमें इस चिट्ठी में उन्होंने ज्यादातर ये गिना दिया कि देखिए मोदी जी को भी तो इतनी सारी गालियां पड़ी हैं, और नाम ले लेकर कि उनको 110 गालियां पड़ी, किसी ने बिच्छू कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने मौत का सौदागर कहा। और तो आप अपने इस राहुल गांधी का बचाव इसलिए आप क्यों कर रहे हैं, और ये आपकी मजबूरी है कि आप एक फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नड्डा जी ने चिट्ठी में किया है, तो वो वाकई में बड़े निम्न स्तर की वो भाषा है। ना उस चिट्ठी में उन्होंने एड्रेस किया है ठीक से कि भाई वो एक पार्टी अध्यक्ष को लिख रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉलिटिकल चिट्ठी लिखी गई है, एक राजनीतिक टोन से भरी हुई, उसमें सिवाय गाली गलौज के कोई और बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों चिट्ठियों को कंपेयर करें, चाहे वो जेपी नड्डा की चिट्ठी हो और खड़गे जी के चिट्ठी से उसकी तुलना करें, तो खड़गे जी की जो चिट्ठी है वो बहुत एक शालीनता भरी भाषा में लिखी गई है, और उसी तरफ अगर आप नड्डा जी की चिट्ठी देख ले तो वो गुंडे और मवालियों वाली भाषा उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इस्तेमाल किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब राहुल पर जो हो रहे अटैक्स, उसका क्या मोदी जी डायरेक्टली जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और क्या उसी की वजह से आज नड्डा जी को सामने कर दिया गया है। नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और नड्डा जी को ढाल के रूप में एक तरीके से मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जैसे ही मुंह खोलेंगे राहुल गांधी के बारे में तो वो चीजें उनके ऊपर फिर बैकफायर करेंगी। तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली और अब नड्डा जी को सामने कर दिया। तो आज इस नड्डा जी की चिट्ठी पर क्या कहा जाए, आज इसी को हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी जी अब वाकई में राहुल गांधी के आगे हार गए। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे। अनिल जी आपका स्वागत है। प्रबल प्रताप शाही जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ है। प्रबल जी आपका भी स्वागत है। और प्रबल जी से शुरुआत करूंगी, और अभी थोड़ी देर में शायद राकेश अचल जी भी ज्वाइन करेंगे। प्रबल जी आप इससे शुरू करती हूँ कि नड्डा जी की इस चिट्ठी के टोन, टेनर, भाषा, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने तो पूरी गालियां गिना डाली कि साहब बिच्छू, गोजर, मौत का सौदागर। जब बीजेपी के लोग, जब कांग्रेस के लोग कहते थे तब तो कोई बात नहीं थी, और अब राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है तो बहुत बुरा लग रहा है कांग्रेस को। जी देखिये, जो जेपी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो पत्र है खड़गे जी को लेकर, कांग्रेस के अध्यक्ष जी को लेकर, लीडर ऑपोजिशन है राज्यसभा और एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, सांसद है इस देश के वर्तमान समय में, उनको इस तरह की भाषा का पत्र लिखकर नड्डा ने, जेपी नड्डा जी ने आरएसएस की विचारधारा को प्रस्तुत किया है कि आरएसएस की ट्रेनिंग गाली देना, हिंसा करना, लोगों को अपमानित करना, और जिस व्यक्ति से वो लड़ नहीं पाए, जिस विचार से लड़ ना पाए, उनके उनको गाली देने का काम, उनको कट शॉर्ट करने का काम वह अपने वक्तव्यों से करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो ये 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 पत्र से आपको पता चलता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने बेहद ही शालीन तरीके से लगातार बातें रखी, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी में, कभी कभी चुनावी राजनीति में कभी कभी बातें हो जाती, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देता कांग्रेस पार्टी के।
जो नरेंद्र मोदी के साथी रविंदर बिट्टू, मारवा और उनके एनडीए के सहयोगी गायकवाड़ विधायक शिवसेना शिंदे के शिंदे गुट के, उन्होंने जिस तरह से जीव काटने की बात की है उस पर नरेंद्र मोदी चुप है। रघुराज सिंह एक कोई मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा खराब बातें कही। अब ये समझिए आप कि ये हो क्यों रहा है। वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आरएसएस पर लगातार राहुल गांधी जी हमलावर है, उनकी नीतियों पर हमलावर है और राहुल गांधी जी को पता है और उन देश को बताना शुरू कर दिया है उन्होंने कि किस तरीके से आरएसएस, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अडानी और अंबानी मिलकर देश की संसाधनों को लूट रहे हैं और किस तरीके से नफरत फैलाकर एजेंडा फैला रहे हैं और उनका मुख्य मकसद देश के संसाधनों को लूटना है। आज जेपी नड्डा जी को चिंता करनी चाहिए थी, जो 80 जो घर जलाए गए हैं महादलितों के बिहार में, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ज्वाइंट सरकार जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार, वहां पर 80 महादलितों का घर जला दिया जाता है और 2 घंटे तक पुलिस नहीं आती। अब आप ये समझिए, और राहुल गांधी पर हमलावर क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी इन्हीं महादलितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो आरएसएस लगातार जो है जी, जो लाइन रखी है नड्डा जी ने चिट्ठी में कि भाई राहुल गांधी उन नेताओं में से हैं जो कि पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं और तमाम वो गालियां उन्होंने गिना डाली कि 110 गालियां पिछले कई सालों में वो दे डाली है, तो फिर क्या मुंह है कांग्रेस का इस तरीके की चिट्ठी लिखना और इस तरीके की बातें करना, वो लिख रहे हैं नड्डा जी। जी अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कब के ओबीसी है? 2000 के पहले नरेंद्र मोदी जी की जो जाति थी वो जनरल कास्ट, जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके पहले या उसके बनने के दौरान ही उसी समय में उनकी जाति ओबीसी में शामिल होती थी। तो उन्होंने ओबीसी का दर्द कहां सहा, वो कब के पिछड़े? और अगर पिछड़े होते नरेंद्र मोदी तो लेटरल एंट्री लाकर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खाते, उनका हक खाते। अगर नरेंद्र मोदी पिछड़े होते तो 69,000 भर्ती जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है उसमें दलितों, पिछड़ों का हक खा जाते। देश किसान जो खासकर दलित और पिछड़े, ज्यादा पिछड़े है खटिहर जाति, उनको परजीवी, आंदोलन जीवी, नक्सलाई, खालिस्तानी, माओवादी कहलवाते और कहते नहीं, कहते वो पिछड़े है ही नहीं। और जेपी नड्डा जी के पास कोई जवाब नहीं है। और मैं तो अब फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के जान को खतरा है। जिस हिसाब से ये लोग बिट्टू बोल रहे हैं, मारवा बोल रहे हैं या अन्य बोल रहे हैं, और ये चिट्ठी इंगित करती है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उस साजिश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत आरएसएस, अडानी और अंबानी शामिल हैं और कोई बहुत बड़ी विदेशी साजिश हो रही है राहुल गांधी जी को नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं, राहुल गांधी इस देश के अंदर अडानी और अंबानी के लूट के खिलाफ खड़े हैं और देश के पिछड़ों की आवाज बने हैं, आदिवासियों की आवाज बने हैं, दलितों, महादलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज, महिलाओं की आवाज बनकर उभरे हैं, किसानों की आवाज बनकर उभरे हैं, जिनको नरेंद्र मोदी लूटना चाहते हैं, उन लूट से वह बचाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये सारी चीजें हो रही। ठीक है, मैं अनिल जी के पास आऊंगी कि अनिल जी आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी का डायरेक्टली सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और जिस तरीके का वर्बल अटैक बीजेपी के लीडर्स राहुल गांधी के ऊपर कर रहे हैं उसका सामना राहुल गांधी के लिए करना मोदी जी के लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल रहेगा। इसका यही कारण है कि इसकी वजह से उन्होंने नड्डा जी को सामने कर दिया और नड्डा जी ने ये चिट्ठी लिखी। जी अनिल जी, जी अनिल जी
ये देखिए क्या है कि आप लोग एक बात का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इंस्टीट्यूशन को इंसल्ट करना उनका पहला काम है। चिट्ठी उन्होंने लिखी थी प्रधानमंत्री को और जवाब दिया जेपी नड्डा ने। आप इस बात को समझिए कि जेपी नड्डा वो पोस्ट ऑफिस है क्या प्रधानमंत्री मोदी के? क्यों मतलब आप आपको जो चिट्ठी लिखी गई आप जरा तुलना सोचिए कि अगर यही चिट्ठी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा होता मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह के पहले अगर नरसिम्हा राव को या आडवाणी ने लिखा होता तो क्या उसका जवाब उस समय का सीताराम केसरी या जो कोई अध्यक्ष अभी ध्यान में नहीं आ रहा वो देते क्या? ये क्या तरीका है? आप असल में इंसल्ट करते हैं, वो राज्यसभा के में वो एलओपी है, विपक्ष के नेता है, एक सबसे जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उस बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको आपको देना, आपको आपको ये अपमानजनक लगता है कि आपको जो चिट्ठी संबोधित है वो चिट्ठी का आप जवाब ना दीजिए? ये है डेमोक्रेसी को, इंस्टीट्यूशंस को धता बताना, उसको उसको कुछ नहीं समझना, इसकी इसका परिचायक है वो क्या लिखा, वो कंटेंट अगला मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है। और ये काम वो पहले से करते रहे हैं, कभी भी संसद में जवाब नहीं देना, संसद में रहते हुए भवन में रह करके संसद की प्रक्रिया की बहस में शामिल नहीं होना, कभी भी कोई ऐसा नहीं। मैं तो इनके क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के कलेक्टेड वर्ड्स पढ़ रहा था, मतलब उनके भाषण देख रहा था संसद में, उनमें एक या दो लोगों की स्पीच छूट गई थी ये जो आपका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो उन्होंने उसके जब जवाब देने लगे तो उन्होंने कहा क्या कि दो लोगों का नाम लिया उन्होंने, सबके बाकी के पॉइंट्स वाइज जवाब देते हैं, हाँ ये परंपरा है, उनका जवाब दिया और उन्होंने नाम लिया कि ये लोगों का मैं सुन नहीं पाया इसीलिए कि मैं राज्यसभा में था, इसीलिए नहीं कि मैं घूम रहा था और भाषण दे रहा था बाहर में, मैं राज्यसभा में था इसीलिए नहीं दे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने पढ़ लिए, मतलब उन्होंने जो कहा और उसका जवाब भी मैं दूंगा, और हर एक का नाम लेकर के। कभी आपने देखा कि कोई अभिभाषण में उन्होंने सारे लोगों का नाम लिया हो, सबका उल्लेख किया हो, हर एक का जवाब? नहीं। ये है संसद और संस्थाओं को कुछ नहीं समझना। और इसी लाइन पर आपको याद होगा कि चुनाव आयोग पर में जो शिकायत हुई, तो शिकायत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव ये क्या कहते हैं कदाचार के बारे में, उनका उन्होंने जो उल्लंघन किया था चुनाव ये क्या चुनाव कानूनों का जो उल्लंघन किया था, ये मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। लेकिन चिट्ठी गई जेपी नड्डा को और उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन दिया चुनाव आयोग ने उसी चिट्ठी में कि ये पहले मतलब जब रिलीज की चिट्ठी तो ये कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग इस बार यही तरीका अपना, मतलब प्रधानमंत्री को मतलब इसका हिम्मत तक नहीं उसकी चुनाव आयोग की कि वो चिट्ठी उनको भेजे, जबकि आरोप उन पर था चिट्ठी भेजी गई जेपी नड्डा को। इसमें भी ऐसा है, आरोप लगाया खड़गे ने, वो उन सरकार को लिखा उन्होंने, जवाब दे रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष और वो जो है वो भी जिनको लिखा नहीं गया था और निम्नतम स्तर की भाषा है, लेकिन उसको कंटेस्ट में देखिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त है, आतंकवादियों के साथ मिली भगत है उनकी, वो वही बात दोहरा रहे हैं जो कि आज कश्मीर में प्रधानमंत्री दोहरा रहे थे, यही लाइन है उनकी। अब इसमें कोई संवाद हो सकता है क्या? उन्होंने तय कर लिया है कि विपक्ष के साथ कोई संवाद नहीं करना है, उनके साथ हिंसक भाषा, वो चिट्ठी भी जेपी नड्डा ने नहीं लिखी होगी, चिट्ठी भी तैयार किया होगा ये अमित मालवीय टाइप का कोई उनका लेखक, क्योंकि वो उस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो सोशल मीडिया में जो ट्रोलर्स है उसी का है कि 110 गालियां दी। और अच्छा दूसरा है कि कंटेंट पर भी देखिए कि झूठ जो है वो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। न राहुल गांधी ने ये कहा कि उनको अधिकार नहीं मिल रहा है सिखों को, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। मतलब आप देखिए कि एकदम संघ का जो तरीका है कि झूठ बोलना और झूठ प्रचारित करना
और झूठ पर चलाना। अब कब कहा उन्होंने आरक्षण आरक्षण खत्म करने की बात? आज राजरत्न अंबेडकर, जो अंबेडकर के ये है क्या कहते हैं रिश्ते, मतलब उनके पीढ़ी के हैं, उन्होंने आज एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है हम कोई उनके समर्थक नहीं है, कांग्रेस के न राहुल गांधी के समर्थक हैं, और हम तो दोनों को गलत मतलब मानते हैं कि अम्बेडकर वाद के खिलाफ वाले लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर जो हमला हो रहा है वो एकदम झूठ है। वो राहुल गांधी ने वही कहा कि जो अम्बेडकर या अम्बेडकर वादी आरक्षण के बारे में कहते कि जब जातियां समाप्त हो जाएंगी तब हम इस आरक्षण समाप्त करें, वो भी नहीं, उन्होंने कहा देखेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि क्या मतलब है। अगर अगर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इंस्टीट्यूशन में, वो अपने आप में एक संवैधानिक पद है, क्या हम ये मान लें कि अब मोदी जी का यही इसी तरीके से जवाब रहेगा कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए कोई ऐसे अटैक करता है तो मोदी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ज्यादा भाव नहीं देंगे, ना उनको कोई जवाब देंगे, ना उनका सामना करेंगे, और जब भी ऐसा कोई जवाब देने की बारी आएगी तो वो पार्टी अध्यक्ष को सामने खड़ा कर देंगे। क्या बीजेपी की आने वाले दिनों में यही रणनीति होने वाली है? ये रणनीति नहीं, यही रणनीति है, और रणनीति में वो बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी को तो ये मिल गया, अब देखिएगा कि कोशिश करेंगे कि एलओपी पद के लिए के खिलाफ, मतलब कि उनको जिस तरह से सदस्यता, आपको याद हम लोग क्या है कि दोहराते नहीं है उदाहरण को, और ये जो है ना गोदी मीडिया के ही तरह हम लोग भी बतियाने लगते हैं। आपको याद नहीं है कि जब वो अडानी और अंबानी का नाम लिया उन्होंने और उसकी तस्वीर दिखा दी तो उनकी सदस्यता चली गई और उनका घर से भी निकाल दिया उनको, और ये एक से एक वहां पूर्व सांसद सब घर बैठे लेकर के दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन उसको राहुल गांधी को तुरंत नोटिस देकर उनको निकाल भी दिया। ये सब का देखने वाली चीजें नहीं है, वो मीडिया नहीं दिखाता है तो क्या वो यही है। राहुल गांधी को कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी वही राहुल गांधी पप्पू है मैं फलना है करके उसको, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ये बताना ही नहीं चाहते, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत ही क्या कहते हैं खराब भाषा का संबोधन किया है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे वो जो है उनको लिखना चाहिए उसमें माननीय शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, वो माननीय शब्द उन्होंने नहीं लिखा, वो एकदम नहीं, उसमें कहा है कि जैसे चिट्ठी आती है, किसी की चिट्ठी आती है जिसमें लिखता है कि भाई श्री आपको मतलब किसी को जवाब देना है जो जूनियर आदमी है वो, अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे के अपनी हैसियत है, अगर वो नहीं भी रहते पार्टी के अध्यक्ष और एलएपी नहीं रहते तो भी वही वो सीनियर मोस्ट सांसद है, मेरे ख्याल में बर्थरी मतलब बराबर में है, लगभग सीनियर मोस्ट लीडर है हिंदुस्तान के। क्या लोकतंत्र इस तरह खत्म हो गया कि कोई इज्जत वगैरह किसी नेता की और उसके जो 50 साल का जो कैरियर है उसका भी कोई सम्मान आप नहीं करेंगे? आपने उनको अपमानित किया है जिस तरह से आपने चिट्ठी लिखी, वो राहुल गांधी को तो अपमानित किया ही है लेकिन खड़गे को अपमानित किया है, जो अभी वहां पर संसद में जो एक्टिव पॉलिटिशियंस में वो सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट है खाली एज में नहीं, जीत करके आए हैं इतनी बार जीत करके, नीचे से एमएलए से लेकर के यहां तक हर तरह के जगह में प्रतिनिधित्व किया। ये हमको लग रहा है कि इसको ये इंडिकेशन है, मैं पहले भी कह चुका हूं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि वो कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जो आपातकाल की ओर ले जाने वाले हैं और उस ओर वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में ब्रेक आ गया, उन्होंने घोषणा तो लगभग कर ही दी थी कि मैं ही आऊंगा, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह बोलता है क्या लाल किले से कि हम अगली बार मैं ही आऊंगा? अरे ये क्या है भाई, जनता चुनेगी तो आओगे, ये एक कम से कम एक शब्द तो लगाना चाहिए था कि भाई जनता चुनेगी तो मैं आऊंगा। और तो इसीलिए मुझको लग रहा है क्या कि ये अटैक है इंस्टीट्यूशंस पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, डेमोक्रेसी जो है उस पर अटैक है, ये सिर्फ इसको राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन अब इसके पहले मैं राकेश अचल जी के पास आती हूँ। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसका एक पोर्शन मैं पढ़ती हूँ ताकि दर्शकों को भी पता चले कि हम किसकी भाषा, किस निम्न स्तर की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब नड्डा जी ने कहा है कि खड़गे जी आपकी मजबूरी है कि आप राहुल गांधी को महिमा मंडित करें,
नड्डा ने आगे ये भी कहा कि चूंकि आपने अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी त्रिष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। ये बात उन्होंने लिखी है और फिर वो आगे लिखते हैं उसमें कई उन्होंने सारी गालियों का गालियों की व्याख्या कर दी है, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, 110 गालियां हैं, वो पूरी गाली एक एक चिट्ठी में लिख रखी है, ये उसमें पूरा जिक्र है, नीच, कभी कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, मुझे पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, वो सब की व्याख्या ये पूरी इस चिट्ठी में कर दी गई है, काला अंग्रेज, कभी डायर, औरंगजेब का आधुनिक अवतार, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, कभी नामर्द, चौकीदार, चोर है, इस सब का जिक्र उन्होंने सारी गालियों का जिक्र कर डाला है। अब क्या कहेंगे कि इस चिट्ठी का मतलब खड़गे जी की एक चिट्ठी जो कि बड़ी शालीन लैंग्वेज में लिखी गई थी, इस तरीके से अगर बीजेपी के अध्यक्ष अपने विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष का जवाब दे रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बीजेपी की, या फिर प्रधानमंत्री को ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब राहुल पर जो अटैक्स हुए उस पर हम क्या कहें। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए आज जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा और मैं बिल्कुल चकित नहीं हूँ। जो हमारे आरएसएस का जो संघ परिवार है उसकी दीक्षा का ये पहला मंत्र है कि आप गालियां देना सीखो, आप असंसदीय होना सीखो, आप संसद का सम्मान करना भूल जाओ। और ये जिस दिन से 2014 से जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं तब से लगातार इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और देखिए ये इन्होंने जो 110 गालियां गिनाई हैं, मैं अगर मुझे ये पैसे दें तो मैं इनके द्वारा दी गई 220 गालियां लिख के दिखा सकता हूँ। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, लोक भाषा को आप असंसदीय नहीं कह सकते, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आपने इस पत्र में किया है वो लोक भाषा नहीं है। लोक भाषा तो ये है कि कोरी की मार कड़े रे पर पड़ रही है, आप राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो खड़गे जी को चिट्ठी लिख दी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये भी एक कहावत है, लोक भाषा की कहावत है कि प्रधानमंत्री जी की क्या विरासत है राजनीति, 2002 में आप पैदा हुए हैं राजनीति में, आपके परिवार का कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, यहाँ एक विरासत, लंबी विरासत है। तो आप अपने को सदैव बोना साबित महसूस करते हैं राहुल गांधी के आगे, और ये जो भाव है, हीन ग्रंथि है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 जून को जो नतीजा आया है, जो जनादेश आया है, उसके बाद और ज्यादा बड़ी हो गई है। और इस हीन ग्रंथि से ग्रसित होने की वजह से ही राहुल गांधी के बारे में वो तो जो बोलते हैं वो सबको मालूम है, उनका स्वास्थ्य गालियों से ही ठीक रहता है, गालियां खा के, गालियां दे के, ये उन्होंने खुद कहा है कि मैं रोज 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं तो मैं देखिए बिल्कुल ठीक हूँ। गालियां खाते भी हैं, गालियां देते भी हैं। अब गालियां कौन देता है ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ताजा प्रसंग ये है कि जिस ढंग से राहुल गांधी को जो अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि राहुल तो प्रतीक है, ये सीधे सीधे इंस्टीट्यूशन पर हमला है, समूचे विपक्ष पर हमला है, केवल राहुल गांधी पर हमला नहीं, राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो ये जो गाली दी गई है कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है, ये पूरे विपक्ष को गाली है, अकेले राहुल को गाली नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ये अगर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है और मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तो ये प्रधानमंत्री पर भी जाता है, ये उनका बयान भी हो सकता है, उनकी सरकार का बयान हो सकता है। तो कायदे से तो ये जो चिट्ठी का जवाब, खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, नड्डा साहब को चिट्ठी नहीं लिखी, पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने पार्टी अध्यक्ष भाजपा को पत्र नहीं लिखा था, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। और प्रधानमंत्री में अगर जरा भी नैतिकता होती तो वो इस पत्र का जवाब शालीनता से देते, लेकिन उनके संस्कार, नड्डा साहब के संस्कार या एक आम प्रचारक के जो संस्कार हैं वो नागपुर में कैसे दिए जाते हैं वो इस पत्र से आप भलीभांति समझ सकते हैं। राकेश जी, आज जयराम रमेश ने बल्कि उसका जिक्र भी किया है, उन्होंने कहा कि देखिए एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 17 साल देश को चलाया और जेल से एक एक चिट्ठी का जवाब देते थे, और वो नेहरू जी के संदर्भ में वो बोल रहे थे।
तो उसी को उन्होंने जिक्र किया कि वो एक प्रधानमंत्री थे जो एक एक चिट्ठी का जवाब वो खुद से देते थे, और यहाँ पर ये देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया। मैंने यही तो कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से पंडित नरेंद्र मोदी की तुलना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ना इतनी लंबी जेल यात्राएं की, ना उन्होंने किताबें लिखी, ना उन्होंने किताबें पढ़ी। उन्होंने सरकारी खर्च पर दुनिया के 198 देशों में से 80-90 देशों की यात्रा जरूर की है। मैं तो कहता हूँ इस यात्रा पे भी वो यात्रा संस्मरण लिखते तो वो एक अभिनव प्रधानमंत्री हो जाते, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो ये भी नहीं कर पाए। और इसमें लगातार उनके साथ जो धोखा होता रहा है, लगातार उन्होंने कोशिश की कि वो कवि बन जाए, वो नाटककार बन जाए। उनके नाम से दूसरे लोगों ने कुछ किताबें भी लिख दी, वो जंगल में भी घूम आए। तो ये सब कि वो बछड़ों को बहुत निष्ठा के साथ किस करते हुए भी देखे गए, मोरों के बीच देखे गए। तो वो इस तरह के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें संसदीय परंपराओं का, संसदीय वोकैबुलरी का, शब्दकोश का कोई ज्ञान नहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल में भी उन्होंने अपने आप को परिपक्व नहीं किया है, संपन्न नहीं बनाया है, अन्यथा उनको देश याद करता। 10 साल प्रधानमंत्री कोई रहे और तो उसको देश भूल जाए या उसको खलनायक के तौर पे याद करे, ये बड़े अचंभे की बात है। तो अभी जो इस पत्र का लंबो लुआब ये है कि वो पहले से कांग्रेस का भूत उनके सर पर सवार था, फिर राहुल गांधी का भूत सवार हो गया, और अब LOP के नेता का भूत सवार हो गया। वो राहुल गांधी को सांसद के रूप में बर्दाश्त करने वाले नहीं थे, संसद से निकाल के बाहर कर दिया था, सरकारी घर से निकाल दिया था, और अब वही व्यक्ति जनता के जनादेश से लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे। और ये जो अभी शुरू में प्रबल प्रताप जी ने बात कही, ये एक ऐसा वातावरण हिंसक, मानसिक हिंसा के द्वारा, शाब्दिक हिंसा के द्वारा बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी का जीवन भी उसी तरह खतरे में पड़ सकता है जिस तरह से उनकी दादी का पड़ा, उनके पिता का पड़ा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि राहुल गांधी के साथ कभी भी कोई इस तरह का हादसा हो जाए, क्योंकि आपने लोगों के दिल में, अपने लोगों के दिल में, दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, इतना जहर भर दिया है कि वो सद्भावना के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो संसदीय परंपराओं के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए इस चिट्ठी से और गलत इंडोर्स किया है उन्होंने। बिट्टू जो सज्जन है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उनकी बातों का परोक्ष रूप से इंडोर्स किया है, समर्थन किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए या तो प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे, और अगर नहीं मांग सकते हैं, अगर उसको राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर एक मानते हैं, तो कल उनके खिलाफ मुकदमा कराएं, उनको जेल के भीतर भेजें, उनका LOP का पद छीन लें, इतना नैतिक साहस तो दिखाएं। लेकिन है नहीं, हीन ग्रंथि से शिकार न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, बल्कि उनकी पूरी पार्टी है, उनका पूरा मंत्रिमंडल है। और यही वजह है कि आप देखेंगे रोज आए दिन राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। मुझे ये उम्मीद थी ये सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है तो ये शायद कुछ संभल जाएंगे, कुछ सीखेंगे, अपने अनुभव से सीखेंगे, लोगों को साथ लेके सबका साथ सबका विकास करना सीखेंगे। लेकिन नहीं, नवन नीच की अति दुखदाई, ये नीच शब्द मणिशंकर अय्यर ने कहा तो असंसदीय हो गया, यही तुलसीदास ने लिखा है, नवन नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। तो ये नीच असंसदीय शब्द नहीं है, ये आपके चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाला शब्द है। और ये नड्डा साहब का जो पत्र है, इसको तो मैं नीचता की हद मानता हूँ, शाब्दिक नीचता की। आप 80 साल के एक ऐसे नेता को पत्र का जवाब लिख रहे हैं जिसके सामने आप बौने हैं, हर तरह से बौने हैं, संसदीय ज्ञान में बौने हैं, राजनीतिक अनुभव में बौने हैं, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बौने हैं। आप दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, निंदनीय है और घोर निंदनीय। जी ठीक है, मैं शाही साहब के पास आती हूँ, फिर अंतिम कमेंट अनिल जी से लूंगी। कि शाही साहब, आज रवनीत सिंह बुट्टू का दोबारा बयान आया, उन्होंने कहा कि अब तो मैं संसद में उनको आतंकवादी बोलूंगा। अब अगर ये बात वो कह रहे हैं, यानी कि उनको अपने कहे पे पछतावा नहीं है, पार्टी को भी कहे पर पछतावा नहीं है, क्योंकि आज नड्डा जी की चिट्ठी ये बात बता रही है कि भाई वो तो सब कुछ सही ठहरा रहे हैं, चाहे वो तरविंदर सिंह मारवा हो, चाहे फिर बाकी लोग क्यों ना हो, जितने भी लोग बयान दे रहे हैं या संजय गायकवाड़ हो, सबके बयानों को वो सही ठहरा रहे हैं। और ऊपर से रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं कि अब तो मैं उनको संसद के अंदर आतंकवादी बोलूंगा। अब कांग्रेस इसका सामना, इसका मुकाबला कैसे करेगी, आप लोग क्या करेंगे?
देखिए कांग्रेस में दो धारा है, एक धारा है गांधीवादी धारा और एक धारा है लंपट गांधीवादी धारा। तो मैं अभी तक दो दिन से देख रहा था, सोच रहा था, सुन रहा था, बोल नहीं रहा था। आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान हमने नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा जो हमें बेइज्जती की उसको हम लोगों ने सहा और किसानों ने उसी हिसाब से जवाब दिया। अब इंतहा हो गई, मतलब ये मतलब अब जवाब देना ही पड़ेगा तो मैं जवाब देता हूं। खड़गे जी जवाब नहीं देंगे, शालीन व्यक्ति है, राहुल गांधी जी अति शालीन व्यक्ति है, लेकिन मेरे परदादा तो आजादी फौज से आए थे तो हम लोग तो सुभाषवादी हैं, तो हमारी भाषा सुन लो नरेंद्र मोदी। जो नड्डा ने भाषा लिखी है वह एक आतंकी संगठन आरएसएस के पदाधिकारी की भाषा है और इस देश का पहला आतंकवादी गोडसे था जिसने हमारे प्रिय बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। अब इन आतंकियों जो दंगे करते हैं, मालेगांव ब्लास्ट में इनका नाम आता है, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में इन लोगों का नाम आता है, आप इनसे क्या आशा करोगे? ये एक ही धारा के लोग जो बिल्किस बानो को नंगा करके बलात्कार करते हैं, उसके सामने उसके बच्चों को मारते हैं, उसके परिवार के लोगों की हत्या करते हैं, फिर माला पहनाते हैं। आपको याद होगा हजारीबाग के अंदर गाली देने वाले, दंगा करने वाले लोगों को माला पहनाई गई, बहुत सारे रोज गालियां देने वाले लोगों को रोज सम्मानित किया जाता है, दलितों को मारा जाता है, पिछड़ों को मारा जाता है, गौरी लंकेश की हत्या की जाती है, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जाती है, गोविंद पंसारे की हत्या की जाती है, अन्य ये तो ये कुछ नाम है, प्रतीक है, और भी लोगों को मारते पीटते हैं, कैसे आदिवासियों के ऊपर पिशाब कर देते हैं, मध्य प्रदेश की घटना भूली हुई है, लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों पर जीप चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी वो आदमी जिस जो जीप चढ़ाता है उसका बाप मंत्री रहता है, हाथरस की घटना एक दलित लड़की का बलात्कार हो जाता है और उस पर उठ तक ये सरकार ना करती हो, आप उनसे क्या आशा करोगे? आरएसएस एक आतंकी संगठन है, इसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है और तमाम विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है। और अब इस चिट्ठी के बाद ये पूर्ण रूप से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, फिर से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, आरएसएस, अडानी और अंबानी, क्योंकि अडानी का स्टेट हाइफा पोर्ट में है, हाइफा पोर्ट इजराइल में है, और जैसा भी मिडिल ईस्ट में घटनाएं हो रही हैं, रोज पेजर ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज जो है वॉकी टॉकी और टेलीफोन ब्लास्ट हुए हैं, क्या राहुल गांधी को के ऊपर कोई बहुत बड़ा जानलेवा हमला करने की साजिश रच रही है आरएसएस, नरेंद्र मोदी? और अगर लेस मात्र भी अगर राहुल गांधी के ऊपर कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा, उसका उसका जिम्मेदार ये मोहन भागवत होगा। ये सम्मान और प्यार की भाषा समझने वाले लोग नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टिट फॉर टैट, और इनको सीधा करना किसानों को आता है, हम किसान आंदोलन, हम इनको जानते कैसे सीधा किया जाता है, ठीक है, आरएसएस वालों को भी हम जानते हैं सीधा कैसे हाँ। किया जाता है, ठीक है, गांव गांव घुस नहीं पा रहे हैं हरियाणा में, ठीक, ये अपमान करने की भाषा सीख रहे हो, ये नड्डा क्या है भाई? ठीक है, क्या है, हाँ, ये क्या है बताइए, दलाल है ये, मोदी का दलाल है और क्या है? ठीक है, अब मैं अनिल जी और राकेश जी के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए। अनिल जी, आपके पास आऊंगी कि अब ये जो एक राजनीतिक लेटर वॉर जो इसको कहते हैं कि चिट्ठी वाला जो युद्ध शुरू हुआ है और ये राहुल बनाम मोदी और कांग्रेस बनाम बीजेपी, आखिर ये कहीं ना कहीं तो इसको विराम मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत संक्षेप में सर, इसके बाद? नहीं, वो तो कांग्रेस ने तय किया है, उसने बता दिया कि वो लीगल फाइट करने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। ये जो चिट्ठी भी आई ना, वो चिट्ठी भी खड़गे जी ने इसीलिए लिखा कि आप जब कोर्ट में जा रहे हैं
तो कोर्ट में कहना पड़ेगा ना कि आपने शिकायत की थी कि नहीं, इसके बारे में उन्होंने आपने कहा था कि नहीं, तो सरकार को आपने लिखा था कि नहीं, तो उसकी ये है, उसने घोषणा कर दी है, आपने देखा ही होगा अभिषेक मनु सिंघवी और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के सी वेणुगोपाल का, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग लीगल एक्शन और एक वर्ड का भी इस्तेमाल किया है स्ट्रॉन्ग या ऐसा शायद कुछ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया कि हम लोग करेंगे इसका लेंगे, मतलब कि पेनफुल, मेरे ख्याल में जैसे वर्ड याद आ रहा है, तो दैट विल बी पेनफुल। तो ये अभिषेक मनु मतलब कि उस पर पूरा कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे और लीगल फाइट करेंगे। देखिए कांग्रेस का की तासीर समझ लीजिए, कांग्रेस अंततः इस देश में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का, उसको उसका वो जो भी आज़ादी आंदोलन में और क्या था, कांग्रेस ही ये थी लीड कर रही थी, बाकी सब धाराएं थी, नदी वही थी, और वो जो है वो है डेमोक्रेसी की नदी है, उस लोकतांत्रिक नदी में ही सारे धाराएं निकली हैं, और ये लोग ये जो है ये सब नाले नाले पर नाले थे जो निकले हुए थे अलग से, वो जो है वो नदी में मिलना नहीं चाहते थे, ये लोग इसीलिए बहते रहे इस तरह से। तो ये ऐसे लोग हैं, इसका वो जवाब डेमोक्रेटिक ढंग से ही देंगे। अभी आप देख लीजिए कि इतना अटैक हो किया है ये राहुल गांधी पे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ने कोई अपने, आप देख लीजिए खड़गे जी की जो भाषा है, वो भाषा आप देखिए कितनी शालीन भाषा है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक परंपरा में वो एक इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट है ना, ये लोग तो शाखा का प्रोडक्ट है। तो प्रॉब्लम है क्या कि ये दोनों कंपेटेबल नहीं है, वो उनकी कांग्रेसियों की गलती के कारण ही वो आ गए अब। लेकिन देश को ये सोचना पड़ेगा कि अगर लोकतंत्र चाहिए तो इनको निकालना होगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस वर्सेस मोदी या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, लोकतंत्र वर्स बनाम ये तानाशाही और ये है, तो इसके लिए उसी रास्ते लेना चाहिए। ठीक है अचल जी, क्या कहेंगे सर अंत में, अब ये जो पूरा जो प्रकरण हुआ राहुल गांधी के ऊपर अटैक, फिर उसके बाद चिट्ठी का सिलसिला शुरू हुआ है, और अब जिस तरीके की अब एक कानूनी लड़ाई की ओर ये पूरा मामला बढ़ रहा है, तो फिर क्या आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजें आप हम देखेंगे जहां तक राहुल बनाम मोदी की जो पूरी राजनीतिक लड़ाई है उसके सिलसिले में? देखिए इस मसले का हल कानूनी लड़ाई से नहीं निकलेगा, भले ही वो लड़ेंगे कांग्रेस के लोग, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करते हैं। इस लड़ाई का जो अंत है वो जनता निकालेगी। अभी जैसे बिट्टू ने कहा कि वो संसद में भी आतंकवादी कहेंगे, तो आप देखेंगे कि वो संसद में आतंकवादी राहुल को कहें तो, और फिर उनको प्रतिपक्ष क्या जवाब देता है। राहुल गांधी ने अभी कुछ नहीं कहा, खड़गे जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं, वो सड़कों पर थे अभी दिल्ली और जयपुर में, आपने देखा होगा। तो ये पूरे देश में होगा, और जनता के हाथ में जब ये लड़ाई आ जाएगी तो राजनीतिक अदावत करने वाले लोग अपने लिए बिल खोजते नजर आएंगे आपको। आप देखना कि इन लोगों में बहुत दम नहीं है, ये झूठ की इमारतें खड़ी करते हैं, गोयबल्स की औलाद इसको आरएसएस के लोगों को कहते हैं बहुत से लोग, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ बड़े दीक्षित लोग हैं, संस्कृत में और दीक्षा इनकी होती होगी वहां पर, और सुभाषित पढ़ाए जाते होंगे इन्हें, लेकिन क्या पढ़ाया जाता है ये नड्डा जी की चिट्ठी ने बता दिया है, और क्या पढ़ के शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ना, बिट्टू तो कांग्रेस से आए ना, तो उनने शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, उनने जल्दी जल्दी में क्या क्या पढ़ लिया वो उनके बयान से साबित हो गया, और संसद में भी वो वही दोहराना चाहते हैं, यानी कि करेला और नीम चढ़ा, करेले तो वो थे अब नीम पे चढ़ गए हैं। तो संसद में देखिए जब भी संसद का सत्र बैठेगा तो ये आग ठंडी होने वाली नहीं है, अब ये पलीता लग चुका है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आरएसएस की राजनीति में, और जो पलीता लगा है तो विस्फोट होगा, जनभावनाओं का विस्फोट होगा, और उसका सामना ये कैसे करेंगे ये तो अभी दो दिनों बाद आपको 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा जब दो राज्यों के चुनाव आएंगे। जी चलिए अब देखेंगे क्या कुछ होता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश अचल जी, अनिल सिन्हा जी, प्रबल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।